तो यहाँ पे अगेन हम वुमेन की मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि वॉयलेंस जो उनके अगेंस्ट होता है या उनको घर से निकाल दिया जाता है. तो NFHS 5 का डेटा है, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया परवेसिव. सो 30% ऑफ वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 49 years दे हैव एक्सपीरियंस फिजिकल वॉयलेंस एट द बिगिनिंग एज. तो मेंटल हेल्थ कंडीशंस रेसिप्रोकल क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, तो इट हाइटन्स द रिस्क ऑफ होमलेसनेस ऑल्सो. बाकी यहाँ डेटा ये रिलेशनल डिसरप्शंस ऑफन इन द बैकग्राउंड द वायलेंस. तो अगेन एक ही फैमिलियल रिलेशंस रिलेशनशिप विद योर पार्टनर तो अब्यूजिव है कि नहीं, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर. तो मैनिफेस्टेशंस ऑफ द मेंटल हेल्थ अपियर्स टू बी एम्बेडेड इन द रियलिटी ऑफ एडवर्स लाइफ इवेंट्स. एडवर्स लाइफ इवेंट्स एक ही एस्पेक्ट हो गया, आपके साथ कुछ ऐसा ट्रोमाटिक इंसिडेंट हुआ है तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है. उसके अलावा आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर पॉवर्टी, कास्ट, वॉयलेंस एसोसिएटेड फीलिंग्स ऑफ लॉस ऑफ एजेंसी फीचर, तो इनका भी इम्पैक्ट होता है. फीलिंग ऑफ एलिनेशन एंड डिप्रेशन दैट ऑल्सो कॉजेज एन इल इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ. तो आपके ऊपर जो सोशल लेबल्स लगा दिए जाते हैं. एंड जो कीवर्ड यहाँ लिखा है कि वुमेन्स एक्सपीरियंसेस ऑफ डिस्ट्रेस दे आर ऑफन व्यूड थ्रू अ रिडक्शनिस्ट बायोमेडिसिन डोमिनेटेड लेंस, नेग्लेक्टिंग द इनसाइडवर्स इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस. मतलब कि मेडिसिनली आपको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, बट जो आपके मतलब एक्चुअली जो मेन कॉज आपको इनसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जो इनसाइडवर्स इम्पैक्ट होता है वो तो मेडिसिन ट्रीट नहीं कर सकती हैं, एंड उसको भी एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है. तो जो बायस एक्सिस करती है बाकी यही है. तो आई विल ऐड वन थिंग कि फेमिनिस्ट जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इट टॉक्स अबाउट कि जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इट इज ओनली क्रेटरिंग टू द प्राइमरी गुड, इकोनॉमिक गुड, प्राइमरी पावर, अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा. इट इज नॉट इंक्लूडिंग द जेंडर लेंस जस्टिस के अंदर में, क्योंकि जो उनका क्रिटिक ये रहा है कि वुमेन का सिर्फ अगर आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करोगे, सोशली में इनको रिजर्वेशन दोगे, इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि सिक्योरिटी और बाकी जो सेफ स्पेस है, इट इज़ वेरी वेरी इट इज़ वेरी फंडामेंटल टू द एस्पिरेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन. तो वो पूरा सिक्योरिटी से फिर ये चैलेंजेस आता है, मेंटल इलनेस, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन. तो इसलिए सिक्योरिटी और सेफ स्पेस को बढ़ावा देना चाहिए अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक. तो ये फेमस क्रिटिक बोलते हैं कि ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होना चाहिए रादर देन सिर्फ इकोनॉमिक या सिर्फ रिजर्वेशन सोशल, क्योंकि सब मल्टी फैक्टुलर, कास्ट, एथनिक. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड इसरो दे हैव डेवलप्ड दिस मल्टीपर्पस ऐप सखी. तो दिस वुड बी हेल्पिंग द गगनयान क्रू. एंड फुल फॉर्म इज स्पेस बॉर्न असिस्टेंट नॉलेज हब फॉर द क्रू इंटरैक्शन. तो ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन सब में एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प कर सकता है, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए हेल्प कर सकता है, सो दैट वी आर स्टेइंग इवन कनेक्टेड विद देम. तो ये एक एस्पेक्ट है. सखी इज द ऐप. यहाँ पे वी गो बाय दी आंसर्स टू सर्टेन क्वेश्चंस. सो फर्स्टली यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्लासिकल जापान कोल्ड डिश, ठीक है तो इम्पोर्टेंट नहीं है. सब्सटेंस एडेड टू वाटर टू एनकरेज फ्रीजिंग यूज टू प्रिपेयर सॉर्बेट्स. तो सॉल्ट ऐड किया जाता था, तो इट हेल्प्स इन फ्रीजिंग ऑफ द वाटर या फिर प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने में हेल्प करता है, स्पेसिफिकली सी फूड की अगर हम बात करते हैं. एंड सब्सटेंसेस एडेड टू प्रिपेयर आइसक्रीम इन मिनट्स. तो लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एंड आइसक्रीम इज अ मिक्सचर ऑफ कोलॉइड. बाकी कोरल रीफ्स की बात करें तो क्वेश्चन 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोरल रीफ सिस्टम दैट वाज इन न्यूज मोस्ट रिसेंटली फॉर अ सिग्निफिकेंट ब्लीचिंग इवेंट. इट वाज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981. वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर सकते हैं जी.
जब सामने में आ जाए। ठीक है। यहाँ एंथ्रोपोसीन एरा की बात हो रही है कि अगेन कोई एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते हो कि कौन सा टाइम पीरियड है, कि ये फिक्स टाइम पीरियड है जहां से एंथ्रोपोसीन एरा स्टार्ट हुआ। तो एंथ्रोपोसीन इसको बोलते हैं इसलिए कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो रहा है, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर हो रहा है। एंड यहाँ पे फिर होलोसीन एपोक की बात की जा रही है, जो भी करेंटली टाइम पीरियड है। इट स्टार्टेड अराउंड 11,700 ईयर्स अगो, बट अगेन फ्यू बिलीव्ड कि दी होलोसीन एपोक इट हैज एंडेड एंड राइट नाउ वी आर इन दी एंथ्रोपोसीन एपोक। तो ये कुछ कैन से एंड इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम इन मेक्सिको, जियोस्फेयर एंड बायोस्फेयर मतलब जोग्राफिकल एंड बायोस्फेरिकल, लाइक जैसे मैन एनिमल बायोस्फेयर रिजर्व प्रोग्राम है। एंड द ऑनसेट ऑफ एंथ्रोपोसीन एपोक को इंसाइड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, मीन्स 1700 से वी बिलीव कि एंथ्रोपोसीन एपोक हैज स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम से हमने देखा एक्चुअली कि ह्यूमंस या जो इंडस्ट्रीज का इम्पैक्ट होने लगा ऑन द इन्वायरमेंट। एंड रिलीज ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, तो ये सब है। ठीक है, प्लास्टिक केमिकल्स मोर देन एस्टिमेटेड, तो अगेन यहाँ पे भी डेटा ये है। यूनेप हैज प्रीवियसली आइडेंटिफाइड 13,000 प्लास्टिक केमिकल्स, बट आज के टाइम में 16,000 केमिकल्स। एंड माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करते हैं कि कैसे वो फूड चेन के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करके दे आर गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड। तो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग सेवरल डिजीजेज बिकॉज दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। रिसाइकलिंग रीयूजिंग ऑफ प्लास्टिक इंपॉर्टेंट है रादर देन मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्लास्टिक्स। एंड जो पहले औषध ने मेंशन किया था कि प्लास्टिक बेस्ड स्पेसिफिक रूल्स भी हैं इंडिया में। 2016 प्लास्टिक हाँ वेस्ट रूल मैनेजमेंट प्लास्टिक, रूल, एटीन हाँ ठीक है, टू में अमेंडमेंट आया। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक हटाया गया, 5 मिलीमीटर से नीचे जो 5 माइक्रोमीटर जो से नीचे कोई प्लास्टिक है उसको यूज नहीं करना चाहिए, और रिसाइकल फोकस किया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस किया गया, पॉल्यूटर्स प्ले पेज प्रिंसिपल वाले कॉन्सेप्ट। यहाँ प्रॉब्लम यही है केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स की केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, पॉली इथाइलिन, पॉलीथीन, पॉलीमर्स होते हैं, तो रिपीटेड चेन्स होती हैं व्हिच आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो सिर्फ 6% जो प्लास्टिक्स में केमिकल्स यूज किए जाते हैं, सिर्फ 6% रेगुलेटेड है इंटरनेशनली भी। तो इलीगली ऑल्सो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड देन इससे रिलेटेड हम जब डिजास्टर्स की भी बात करते हैं कि जो फैक्ट्रीज है, प्लास्टिक बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, वहां पे फायर इंसिडेंट्स भी बहुत कॉमन है। तो ट्रीटी की यहाँ बात की जा रही है, प्लास्टिक ट्रीटी अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट नेगोशिएशन दे आर गोइंग ऑन ओटावा कैनेडा में, एंड माइट बी विल बी हैविंग अ वन ऑफ द प्लास्टिक ट्रीटी बाय द एंड ऑफ दिसंबर, साउथ कोरिया सिटी ऑफ बुसान में। जब हम लोग बात करते हैं ओशन लेवल सी सरफेस टेम्परेचर, एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर SST, इट इज बीइंग इंक्रीजिंग और इट हैज रीच न्यू हाई इन 2024। पहले 20.06 हो चुका है डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ से 20.98 से अगस्त 2023। तो ओवरऑल देखा जाता है कि इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। पहले वाई पूछते हैं, वाई कॉन्सिक्वेंसेस ये अच्छा दिया भाई एग्जैक्टली, और क्या करना चाहिए। तो वाई इट इज इम्पैक्टिंग, बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल रिलीज, ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, वार्मिंग के कारण इट इज इंक्रीजिंग द हीट, एक्स्ट्रा हीट इज ट्रैप्ड बाय द एब्जॉर्बिंग ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सर्फेस। फिर उसके बाद एल नीनो, जिसके कारण एबनॉर्मल वार्मिंग अगर सर सी सरफेस टेम्परेचर होता है इन द पैसिफिक ओशन रीजन, वो बढ़ा है। फिर सहारा से लेस डस्ट ब्लोइंग ऑफ द सहारा ड्यू टू द वीकर एंड एन एवरेज विंड।
इसके कारण भी होता है। ड्रॉप इन द अमाउंट ऑफ सल्फर अलाउड इन मरीन शिपिंग फ्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड लीड्स द सल्फर एरोसोल इन द एटमोसफेयर विच एक्ट्स लाइक अ क्लाउड प्रिवेंटिंग सोलर फ्लोटेशन। इस ये भी इम्पैक्ट करते हैं एक तरह से। सल्फर डाइऑक्साइड लीड्स टू सल्फर एरोसोल इन द एटमोसफेयर विच एक्ट्स लाइक अ क्लाउड विच प्रिवेंट सोलर रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द ओशन सर्फेस। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल सेपरेशन ऑफ ओशन वाटर इंटू हॉरिजॉन्टल लेयर, डेंसिटी डेंसिटी वार्मर सॉल्टी न्यूट्रिशन डेफिसिट और बाकी सब में करंट जो होते हैं वो मिक्स करते हैं लेयर्स बिटवीन में तो वो दिक्कत हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट चैलेंज हो जाते हैं एक तरह से ओवरऑल। फाइटोप्लैंकटन जूप्लैंकटन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी इन द ओशन, उनका बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होता है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स आर नॉट एबल टू ट्रैवल फ्रॉम अप टू द ओशन सरफेस फ्रॉम बिलो क्योंकि मिक्सिंग ऑफ वाटर नहीं होता ढंग से। मरीन हीट वेव एक की वर्ड, हीट वेव बात करते हैं तो मरीन हीट वेव इट हैज बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर इंटेंस। हरिकेन फॉर्मेशन होता है क्योंकि सी सरफेस लेवल टेम्परेचर बढ़ता है उसके ऊपर जो भी ट्रेड विंड क्रॉस करते हैं तो इट टेक अप द मॉइस्चर ऑफ द सी सरफेस और एक लो प्रेशर के कारण इट क्रिएट्स अ साइक्लोनिक वेदर। तो हरिकेन साइक्लोन भी हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट मोर डैमेजिंग मोर इंटेंस। दूसरा कि सी सरफेस लेवल बढ़ने से कार्बन एब्जॉर्प्शन होता है और फिर इट क्रिएट्स अ कार्बोनेट CO3 2- आयन HCO3। उसके कारण जो डिजोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके कारण कोरल ब्लीचिंग होता है बिकॉज कोरल आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर ऑल्सो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट और टेम्परेचर से रिलेटेड भी है। नहीं यहाँ पे फिश इज ऑल्सो हमने जैसे क्रिएट हमने कवर किया था कॉन्सेप्ट कि जितना ज्यादा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उतना गैसेस का जो डेजोल्यूशन रेट है वो कम होता जाता है, तो जो कार्बन सिंक की कैपेसिटी एज ओशंस के हम बात करते हैं वो कम हो जाएगी विद मोर ओशन एसिडिफिकेशन। तो जो कोल्ड वाटर्स है वहां पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो सकती है, तो अगर टेम्परेचर ओशन वाटर का इंक्रीज होगा तो कम कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो पाएगी। ठीक है। और वार्मर टेम्परेचर लीड्स टू हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ओशन टू एयर। इसी कारण बारिश ज्यादा इराटिक रेनफॉल हैवी एयर रेनफॉल मोर फ्लडिंग चेन्नई में देखा जाता है ऐसे। हाइटेंड डिवास्टेशन फॉर ह्यूमंस। तो क्या करना चाहिए? ओवरऑल कंसेंट्रेशन जो लेवल है उसको कम करना चाहिए जीएचजी का। वो कैसे होगा? एनडीसी एनडीसी सबको फॉलो करना। द कंट्री शुड बी कंप्लाइंट विद द एनडीसी रूल्स। पेरिस क्लाइमेट चेंज गोल्स जो है लॉन्ग टर्म वो अडियर करना चाहिए तभी हो सकता है। और इम्पैक्ट में और क्या हो सकता है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो फिशरीज या फिशरमेंस के रिलेटेड है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा कि और ज्यादा IUU फिशिंग जो हम बोलते हैं इलीगल अनरेगुलेटेड या अंडर रिपोर्टेड फिशिंग जो और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। फूड सिक्योरिटी जो सी फूड है कोस्टल एरियाज जो हैबिटेशन है वो सी फूड के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, तो वो भी कैन से कि अंडर प्रेशर आ सकती है। यस नेक्स्ट। यहाँ पर ये दो ही सोल्यूशन हो, यानी एनडीसी करिए और आप पेरिस के टारगेट को बनाइए, करेक्ट? हाँ क्योंकि और बाकी ओशन में आप कुछ चेंज ज्यादा नहीं कर सकते ना। मतलब उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज करेंगे ओशन का? इट कैन उन्हीं का अगर यूज भी करेंगे जियो इंजीनियरिंग करेंगे यूज भी करेंगे तो इट कैन इम्पैक्ट द बायोडाइवर्सिटी। उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो नॉर्मली किसके कारण SST हो रहा है? सोलर रेडिएशन कारण हो रहा है। तो आप सोलर रेडिएशन को ही कम कर सकते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। जियो इंजीनियरिंग यूज कर सकते हैं या फिर GHG गैस एमिशन कम कर सकते हैं। ये हो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम है हिटाची जोसेन। इंडियाज आर्म ये इंटर कर रहे हैं इनटू द वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर। द इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट PPP मॉडल फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। कहाँ पे जाएंगे? चेन्नई में काम करेंगे। ओवरऑल सस्टेनेबल सॉल्यूशन फोकस करेंगे, बिल्ड करेंगे, फाइनेंस करेंगे, ऑपरेट करेंगे अंडर द PPP मॉडल। तो 1268 करोड़ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश किया जाएगा।
20 साल के लिए, मैनेजमेंट भी लिया जाएगा उसका। तो कैसे एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को इंटीग्रेट करना चाहिए विद द कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, विद द बिडिंग सिस्टम, वो चेन्नई मॉडल सीख सकते हैं। तो चेन्नई में हिताची जूजेन फर्स्ट जापानीज वेस्ट टू एनर्जी में, वेस्ट टू एनर्जी, उससे वैल्यू बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। तो उनको हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इंसेंटिव भी मिले, जरूरी नहीं कि लॉस लॉस चले पूरे पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वेस्ट में ई वेस्ट भी होगा तो उसको रिसाइकिल करके गोल्ड होगा मिलेगा, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल्स, उसको बेच सकते हैं, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो गया ये। करने के एग्जाम्पल हो गया, या फिर कुछ या फिर ये एनर्जी प्रोडक्शन करके वो बेच सकते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसे बायो बायोगैस जनरेट हो सकता है, तो सोल्यूशन निकाल सकते। तो रिगार्डिंग द नीलगिरीज, नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट में वन ऑफ द फोर हॉटस्पॉट इन द रीजन, वेस्टर्न घाट उसी में नीलगिरी है, इन द रीजन ऑफ तमिलनाडु कर्नाटका एंड केरला, तीनों कवर करते हैं। तो शोर वहां मिलता पर है। बैम्बी बकेट, ऑल्सो कॉल्ड एज हेलीकॉप्टर बकेट, हेली बकेट, इट इज यूज्ड, इट इज फिल्ड बाय द लोअरिंग द रिवर पॉन्ड, और फिर इसको फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है, बैम्बी फॉरेस्ट बकेट। फायर्स, हाँ, हेलीकॉप्टर से जो वाटर ड्रॉप किया जाता है उसी को अब बैम्बू क्यों बकेट। हो रहा है वहां पर फॉरेस्ट फायर? तो ऑलरेडी फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2021 में, इट टॉक्ड अबाउट फॉरेस्ट फायर जो प्रोन रीजन है इंडिया में, कौन कौन रीजन वर्नेबल है, नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड। क्यों? क्योंकि ये सब रीजन मॉइस्ट डेसिडुअस है, ड्राई डेसिडुअस है, दे आर मोर प्रोन टू फायर रादर देन की एवरग्रीन और माउंटेन टेम्परेट, ठंडा का इलाका है वो तो कम है, और दूसरे के ट्रॉपिकल में बारिश होता है तो कम। तो ये हो गया दूसरा चीज की हाईएस्ट कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सब नॉर्थ ईस्ट में। तो वो बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मोर प्रोन रीजन फॉर द फॉरेस्ट फायर। दूसरी बार कोंकण बेल्ट में भी है, झारखंड, उड़ीसा। क्यों ऐसा बढ़ते जा रहे हैं फॉरेस्ट फायर, वाई दे हैव बिकम मोर एंड मोर वर्नेबल? तो देखा जाता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन भी है, सिगरेट, कैंप फायर एक्सेट्रा। दूसरा हाई एरिडिटी, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लियर स्काई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोग पढ़े। उसके बाद फिर बारिश इराटिक हो रहा है, समय पे बारिश नहीं हो रहा है, उसी कारण में एक इशू हो सकता है। जो वेटनेस रहता है, मॉइस्चर रहता है, वो भी कम हो रहा है, तो एरिडिटी बढ़ रहा है। समर सीजन में दे आर मोस्टली ड्राई बायोमास इन द फॉरेस्ट, जैसे कोई भी ह्यूमस होता है, पत्ते होते हैं, वो ड्राई रहते हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू द फायर। एक्सेसिव हीट फैक्टर, चांसेस ऑफ हीट वेव, जब हम लोग पढ़े विथ रिगार्डिंग टू द ओशन हीट वेव, मरीन हीट वेव, वैसी हीट वेव ऑन द लैंड 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर जाते हैं, एब्सेंस ऑफ रेन, प्रिवेलिंग ऑफ द हाई टेम्परेचर, इसके कारण ओवरऑल फॉरेस्ट फायर बढ़ा है इन द सर्डन स्टेट। पहले नॉर्थ ईस्ट में था और सेंट्रल इंडिया में था, क्योंकि वहां पर मॉइस्ट डेसिड्यूस और ड्राई डेसिड्यूस प्लांट, अब सर्डन स्टेट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब रीजन, हीट, एरिडिटी, क्लियर स्काई, टेम्परेचर बढ़ना, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन का इंटरवेंशन। नीलगिरी में रिसोर्ट खुल रहा है, लोग ज्यादा ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, तो इसी कारण। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ WPL, शेफाली वर्मा 91-90, अलग अलग। अडवाणी इन हॉल ऑफ फेम एट द वर्ल्ड, बोलो। इकोनॉमी का मैं बोल रही हूँ, एक दो जो मिसिंग आर्टिकल्स वो कवर कर लेते हैं। ऐसे आई वुड जस्ट स्पीक अप कि क्रूड ऑयल सप्लायर की जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो 2023 में टॉप सप्लायर रशिया रहा है, फॉलोड बाय इराक, देन वी हैड यूएई एंड यूएस। तो ये क्रोनोलॉजी पता होना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो जॉइंट पर फंड दोबारा रिपीट करो। फर्स्ट पे रशिया, देन इराक, उसके बाद यूएई एंड देन यूएस। सऊदी अरेबिया चेक करना पड़ेगा, सऊदी अरेबिया भी है इसमें टॉप 5 जो हम प्लेयर्स की बात करते हैं क्रूड ऑयल सप्लायर्स टू इंडिया।
ओके नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक स्टार्टअप्स के लिए एक जॉइंट फंड लॉन्च करने की बात की जा रही है व्हिच वुड बी इंडो पैसिफिक ट्रायंगुलर कोऑपरेशन फंड. तो इट वुड सपोर्ट क्लाइमेट चेंज और SDG जो गोल्स हैं, इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स जो थर्ड कंट्रीज से हैं. सो दिस वुड बी बिटवीन इंडिया एंड पेरिस. तो एक फंड है एंड जब हम इंश्योरेंस सेक्टर की इंडिया में बात करते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में वी आर सीइंग कि FDI इंक्रीज हुई है और जो परमिसेबल लिमिट है वो 100% है फॉर इंटरमीडरीज. इंश्योरेंस इंटरमीडरीज 100% ऑटोमेटिक रूट. तो कितनी FDI लास्ट 9 ईयर्स में इंश्योरेंस सेक्टर ने अट्रैक्ट किया है? 54,000 करोड़ रुपीज. तो पहले सिर्फ 26% अलाउड थी 2014 में, फिर हमने इसको इंक्रीज किया 49%, देन 74% 2021 में, एंड देन 100%. तो वैसे ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो वी कैन कंक्लूड ना प्रवेश. So today we started from the various philosophical and topics ranging from the current part, where the very first topic we talked today was regarding the Indian Ocean, where we talked about different multilateral institutions. So I'll be highlighting some of the keywords. In the Indian Ocean, when we talk, so we have Indian Ocean Rim Association, Colombo Security Conference, Sagar, Agalgila Island, Indo-Pacific Economic Framework, Act East Indian Policy, IMEC, SAARC, ASEAN and Quad. इसके बाद हमने बात करी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, जिसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन के फायदे हैं. इन डिटेल में हमने चर्चा की. उसके बाद हमने देखा कंसर्न क्या है. कंसर्न बहुत थोड़े हैं, लेकिन और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइमल्टेनियस इलेक्शन की, जो कोविंद पैनल ने भी हाईलाइट की, चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी हाईलाइट की, कि 60,000 करोड़ पैसा अभी लगता है वो 6,000 करोड़ पर आकर सीमित हुआ है. FTA के अंदर हमने बात की कि जो टीपा हमने साइन किया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि $100 बिलियन की एज ए कमिटमेंट आएगी. दोनों साइड जो है वो IPR के ऊपर म्यूचुअल रिलेशन बनाएंगे. कस्टम ड्यूटी, इसके बाद जो एक्सपोर्ट लिबरलाइजेशन उसकी बात की जा रही है. अलग अलग लेबर रिफॉर्म्स किए जाएंगे. और इसके बाद हमने बात की एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिसके अंदर हमने इन डिटेल चर्चा की कि 47% पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अभी करंटली काम करती है. फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का जब भी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की अहम भूमिका है. इसके बाद दिक्कत क्या है, लैंड का फ्रेगमेंटेशन है, रेम्यूनरेशन अच्छा नहीं है, मार्केट लिमिटेड है, सोइल में मोनोकल्चर प्रैक्टिस करने की वजह से एरिडिटी आ जाती है, फर्टिगेशन नहीं करते, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है. इसके बाद हमने ये देखा क्या क्या कर सकते हैं, इरिगेशन से लेके इंश्योरेंस से लेके फर्टिलिटी से लेकर हमने अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर बात की. इसके बाद हमने ये भी बात की कि किस तरीके से जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, जो कि एक ऑटोनोमस डिपार्टमेंट है अंडर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि करनाल के अंदर लोकेटेड है, 1982 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, डेंगू की वैक्सीन लाया. इसके अंदर हमने बात की कि जीका वायरस पहले फॉरेस्ट केरला में और मंकी फीवर कर्नाटका के अंदर पाया गया. कैप्टिव एलिफेंट्स के अंदर हमने बात की कि कैप्टिव एलिफेंट्स को अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो बैन है, लेकिन WPA 2023 का अमेंडमेंट उसको अलाउ करता है विद सर्टेन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है यूनियन लेवल अंडर जूलॉजिकल अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उनकी एक अहम भूमिका हो जाती है, जिसमें वो हेल्थ की रिपोर्ट जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट को सबमिट करेंगे और उसके बिहाफ पर वो अलाउ करेंगे कि कैप्टिव हो सकते ट्रांसफर हो सकता है. इसके अलावा मल्टी सर्विस ऐप एक आया है साक्षी, जो कि गगनयान क्रू में जाने वाले जो हमारे लोग हैं उनको असिस्ट करेगा, उनकी हेल्थ को मॉनिटर, उनकी सर्विसेज का ध्यान रखेगा. पोलिनेशिया, पैसिफिक ओशन के अंदर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अंदर पोलिनेशिया एक कोरल आइलैंड है. हेलोसीन एपोक की बात करी, 11,700 साल पहले आया था, अभी एंथ्रोपोसीन एपोक है. 18th सेंचुरी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तब से हम एंथ्रोपोसीन इपोक के अंदर जी रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है, साइंटिस्ट हमें बताते हैं. प्लास्टिक लेड डिजास्टर्स होते हैं, प्लास्टिक लेड डिजास्टर्स में हमने देखा पॉलीमर ज्यादा यूज होता है, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल नहीं है. नेगोशिएशन हो रही है
कहाँ पर? कैनेडा, ओटावा रीजन, प्लास्टिक ट्रीटी, जो कि इंडिया और इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ओशन लेवल के ऊपर हमने बात की, ओशन लेवल के तीन तरीके से हमने देखा, ओशन लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्या उसके कारण है, क्या उसके इम्पैक्ट हैं, और क्या उसके हम टू डू यानी हम मेजर्स उठा रहे हैं। हमने देखा अलग अलग तरीके से बायोडाइवर्सिटी, एटमोसफेयर, सी लेवल, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से लेके फूड चेन तक सारी चीज़ों पे जो ओशन लेवल सी सरफेस जो राइज कर रहा है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। मेजरली हमने देखा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल जो ग्रीन हाउस वार्मिंग उसकी वजह से हो रहा है। क्या प्रोसेस कर सकते हैं? तो अभी इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई कंट्री अपने एनडीसी कर रही है, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया ने अपने पहले कर दिए टाइम से, पेरिस टारगेट की बात हो रही है, इसके अलावा जियो इंजीनियरिंग, क्लाउड इंजेक्शन की बात हो रही है। आप जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, इनको डंपिंग मत कीजिए, इंडस्ट्री के ऊपर चेक एंड बैलेंस कराइए ताकि डायरेक्ट जो है एफ्लुएंट रिलीज ना करें नेशनल एक्वीफायर्स में। इसके बाद हिटाची जोसेन, इनकी हमने बात की, एक प्राइवेट कंपनी है जापानीज की जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के पर काम करती है, चेन्नई में आई है और पहला पीपीपी मॉडल के अंदर ही आई है जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट का काम करेगी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की हमने बात की, 1986 में सबसे पहले बायोस्फीयर डिक्लेयर हुआ। इसके बाद जो है ट्रिपेराइट है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के अंदर, नीलगिरी जो है इकोटोन स्पीसीज है। बैम्बी बकेट क्या होता है? हेलीकॉप्टर से पानी फेंका जाता है फॉरेस्ट फायर को कम करने के लिए। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन हमने देखा इरेस्पॉन्सिबल टूरिज्म होता है, कैंपिंग करने आप फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो वहां पर जाके आप जो है कंज्यूम करते हैं बीवरेजेस करते हैं, आप बीड़ी सिगरेट कुछ भी करते हैं जिसकी वजह से आप इरेस्पॉन्सिबल टूरिज्म करते हैं, फायर लगने के ज्यादा चांस होते हैं। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट जोन, हीट डोम बढ़ रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। आप जो है डिजर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है उसका भी आप एफोरेस्टेशन नहीं करके डिफोरेस्टेशन करते हैं, सोलर रेडिएशन ज्यादा हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। टॉप 5 फ्रूट सप्लायर्स हमने देखे, रशिया, सऊदी, इराक, यूए, यूएस, इंडो पैसिफिक ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की हमने बात की जो कि एक फंड है जो काम करेगा दो चीजों के ऊपर, क्लाइमेट चेंज, एसडीजी, किनके बीच में? इंडिया और पेरिस के बीच में। और लास्ट में हमने बात की कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई जो है वो 100% हो गई है, 2014 के टाइम में 26% थी, फिर 47 हुई है, आज के टाइम में 100% है, और लास्ट ईयर में ही हमारे यहाँ 54,000 करोड़ जो पैसा है वो एफडीआई के अंदर आया है लास्ट 9 ईयर्स के अंदर। तो दिस इज फॉर टुडेज न्यूज पेपर एंड थैंक यू सो मच की वॉचिंग।